फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान भोले को प्रसन्न करने के लिए शिव भक्त उनकी पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। हर शिव भक्त को इस खास दिन का इंतजार रहता है। इस बार महाशिवरात्रि पर कई ग्रहों का अद्भुत संयोग बन रहा है। काशी के ज्योतिषियों का दावा है कि ग्रहों का ऐसा दुर्लभ संयोग 350 साल बाद महाशिवरात्रि पर देखा जा रहा है। काशी के ज्योतिष आचार्य पंडित संजय उपाध्याय ने बताया कि 8 मार्च को महाशिवरात्रि पर शिव योग के साथ सिद्ध योग और चतुर्ग्रही योग भी है, यानी 4 ग्रह एक साथ हैं। कुंभ राशि पर शनि मूल त्रिकोण में बैठे हैं, इन्हीं के साथ सूर्य, चंद्रमा और शुक्र भी विराजमान है। इतना ही नहीं, इस दिन महाशिवरात्रि के साथ शुक्र प्रदोष व्रत भी है। ऐसे में यह अद्भुत संयोग विशेष फलदायी है। इस दिन भगवान शिव की पूजा का कई गुना फल मिलेगा। बता दें कि 8 मार्च को पूरे दिन शिव योग रहेगा। इस बार शिवरात्रि जो है 8 मार्च को पड़ रहा है, शुक्रवार के दिन। इस दिन सबसे बड़ी चीज है कि शिव योग है और सिद्ध योग, यह दो योग अपने आप में बहुत प्रशस्त माने जाते हैं। और चतुर्ग्रही योग भी है, 4 ग्रह एक साथ एक राशि पर विराजमान है। कुंभ राशि पर मूल त्रिकोण का शनि विराजमान होकर के पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। उन्हीं के साथ जो है सूर्य, उनके पिता सूर्य बैठे हुए हैं। वहीं पर जो है चंद्रमा विराजमान है और वहीं पर जो है शुक्र विराजमान है। सबसे बड़ी बात है कि उस दिन जो है शुक्र प्रदोष होने की वजह से लक्ष्मी के निमित्त शुक्रवार का दिन जो है देवी का दिन कहा जाता है। और चतुर्दशी आदि तिथियां देवी के लिए और शिव तत्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है और तंत्र की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होती है। इसलिए इस दिन बाबा विश्वनाथ की, बाबा शिव की, भोलेनाथ की पूजा अर्चना जो है विशेष लाभदायक होती है। इनकी पूजा इस दिन करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है। अगर किसी को रोग या कष्ट है तो इस दिन वह विशेष पूजन करता है तो उसका रोग और कष्ट जो है नष्ट होता है। अगर किसी के पीछे कोई शत्रु लगे होंगे तो वह शत्रु नष्ट होते हैं, क्योंकि सिद्ध योग है और शिव योग है। और चतुर्दशी रात्रिकालीन तिथि होने की वजह से भूत प्रेत आदि अगर किसी के ऊपर बाधाएं हैं तो बाधाएं भी इन पूजन से नष्ट होती है। क्योंकि इस दिन 4 ग्रहों का योग जो बन रहा है, सूर्य का, शुक्र का, चंद्रमा का और शनि का, ये अपने आप प्रशस्त है। जय विश्व। कितने सालों बाद ऐसा संयोग कई सौ वर्षों के बाद दिखलाई दे रहा है कि 4 ग्रहों का योग एक साथ जो है शिवरात्रि के दिन दिखलाई। लोकलेटिन वाराणसी से अभिषेक जायसवाल की रिपोर्ट। इस वीडियो में दी गई जानकारी पंडित के अनुसार है, लोकलेटिन इसकी पुष्टि नहीं करता है।